भी बोला है, अगर हमारे दिमाग में और दिल में लालच समा जाए तो जो भी चीज हम पाना चाहते हैं यकीनन वो बहुत दूर चला जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएं और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूबल है। एक समय की बात है, एक गाँव में एक फैमिली रहती थी, या यूँ कहिए एक व्यापारी थे। उनका अच्छा खासा बिजनेस था और उनके दो बच्चे थे। दोनों बच्चे समय के साथ बड़े होने लगे। एक समय आ गया जब दोनों बच्चों में उनके अपने जायदाद का बंटवारा करना पड़े, लेकिन उसमें से एक बच्चा था वो हमेशा चाहता था कि उसको ज्यादा मिले। तो जब भी बंटवारे की बात होती तो वहां पे विवाद शुरू हो जाते। तो थक हार के व्यापारी, तो व्यापारी होता है, उनके पास दिमाग होता है, वो हर चीज का हल अपने तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। अपने जो भी वो व्यापार में दिमाग लगाते हैं और जिस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से वो ये करने की कोशिश करते हैं कि समस्याएं को कैसे दूर किया जाए। व्यापारी ने बोला ठीक है, ज़्यादा और कम, क्योंकि मैं तुमको कितना भी दूंगा तो एक को ज़्यादा लगेगा किसी को कम लगेगा। तो बोला कि नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ तो मुझे चाहिए। जो लालची लड़का था वो हमेशा बोलता है मैं बड़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा चाहिए, और उत्तराधिकारी आपका मैं ही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक शर्त है कि जो सुबह से निकलेगा और जो व्यक्ति, मतलब दोनों में से, तुम दोनों में से कोई भी व्यक्ति जितना दूर चल के आएगा लेकिन सूर्य ढलने से पहले घर पहुंचना चाहिए, और उसकी नाप होगी कि कौन कितना दूर किलोमीटर चल के आया है, दूरी का आकलन होगा, उसके बाद उसको उस हिसाब से उसको जायदाद का हिस्सा दिया जाएगा। तो जो बड़ा वाला था उसको, प्लीज भाइयों, कोई बड़े छोटे की बात नहीं है, छोटे के भी बोल सकता था, इसलिए किसी के दिमाग में ऐसे आया है कि बड़े के लिए बना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहानी है, कहानी को कहानी की तरह लीजिए। आपको लगे तो छोटे के लिए ले लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बड़े के लिए बनाया, ये कहानी है। और कहानी काल्पनिक होती है, केवल हम लोगों को कुछ सबक और सीख दे के जाती है अगर आप लेना चाहें तो। और पूरी कहानी ज़रूर देखें शुरू से अंत तक, जिससे कि आपको कहानी का सार पता चले। आप स्किप करेंगे तो कहानी का मज़ा नहीं आएगा, मैं अक्सर बोलता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बहुमूल्य हैं उसको जरूर दें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिले। मैं डेली ही वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों का चैनल है, आपका वीडियो मेरा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ पे कहानी को आने छोड़ा था। तो बड़ा मोटा बोला कि नहीं, मेरे को मिलना चाहिए ज़्यादा। तो बोले कि चलो शर्त है, अभी जो शर्त जीतेगा उसको मिलेगा। सुबह सुबह दूसरे दिन सुबह दोनों बच्चे उनके तैयार होकर निकल पड़े। बड़ा वाला बेटा दौड़ने लगा, भाग रहा है कि और कितना दूरी तय कर लो, क्योंकि शाम को सूर्यास्त के पहले वापस घर पे पहुंचना है। छोटा वाला चल रहा है, जाते जाते छोटे वाले को लगा कि जितना दूर हम अभी चल के आए हैं इतना में वापस जाएंगे तो शाम हो जाएगी,
मैं सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन बड़े वाले बेटे को ये चीज़ ख्याल नहीं है और वो बहुत दूर निकल गया। छोटा वाला एक रास्ते से वापस आ गया। उसको सब्र था कि चलो जितना मिले उतना ठीक है, हम बहुत चल लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत दूर जाके बहुत लेना है। तो उसने संतोष से सोचा कि मतलब हम जितना पहुंच चुके हैं उतने में मिल जाए तो उतने से मेरा जीवन यापन हो जाएगा। बड़ा बेटा इतना दूर निकल गया कि जब वापस होने को हुआ तो आते आते रात हो गई। रात हो गई तो जब घर पहुंचा तो पिताजी ने बोला कि चूंकि तुम हार ही चुके हो और ये कम दूरी तय करके आया है, लेकिन ये सूर्यास्त के पहले आया है, हारा नहीं है, तुम हार चुके हो, तो जो तुम्हें थोड़ा भी मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि संतोष बड़ा चीज है। आप इतना भी लालच मत करो कि लालच के रास्ते में अपनी जिंदगी को लगा दिया तो कुछ ना मिले। अगर कुछ में संतोष कर लोगे तो शायद सब कुछ मिल जाएगा। सबसे में क्या संतोष, आप संतुष्ट हो कि मेरे को इतना ही चाहिए और मैं इतने में खुश रह लूँगा, मेरे जीवन यापन के लिए इतना ज़रूरी है, तो शायद आप उस समय का उस चीज़ का भी वैसे ही आनंद उठा पाओगे जैसे कि एक बहुत पैसे वाले आदमी उठाते हैं। अब कितना भी अपार संपत्ति हो जाए, अपार चीज़ें हो जाए, लेकिन अगर आपके दिल में असंतोष है, पाने की एक लालसा लगी हुई है, आग जली हुई है आपके दिल में, तो कितना भी धन कमा लो, कितना भी आगे बढ़ लो, आपको संतोष नहीं होगा, आपको उसका आनंद नहीं आएगा, आप एक अलग लालच के भाग में लगे रहोगे और जो चीज़ है उसका सुख नहीं भोग पाओगे। तो संतोष करिए, जो चीज़ है उसमें अपने को लीन कीजिए, आनंद उठाइए और कुछ और के लिए प्रयास कीजिए। प्रयास के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मैं अक्सर बोलता हूँ प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ है उसमें संतोष भी करना चाहिए, संतोष के साथ प्रयास। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।